वहीं विधानसभा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार यहां पर मेला ना लगाए, सदन को ये बताया जाए कि अभी तक कितना निवेश हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लगता है कि जो भी सूट और टाई पहने हुए था उससे एमओयू करवा लिया गया। एमओयू की क्या विश्वसनीयता है, सरकार जवाब दे। बीजेपी का बहुत फंडामेंटल क्लियर था कि कोई भी सूट और टाई पहने बस उससे एमओयू करा लो। तो संकल्प पत्र के वादों पर उठे सवाल को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अखिलेश यादव पर पलटवार उन्होंने किया और कहा कि हमने पिछले कार्यकाल में 98% वादे पूरे किए और इस बार भी 130 वादे किए हैं और 110 वादों पर काम किया। ये क्रेडिबिलिटी जनता के 5 साल तक हमारी सरकार को गुड गवर्नेंस के आधार पर वोट दिया। आप चुनाव जीत सकते हो लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही थी, जवाब देना जरूरी है। बारे बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की हमने नहीं, जो हमारा संकल्प पत्र है मान्यवर, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये बार में आया और इस बार भी जितने वादे किए 130 वादे किए उसमें से 110 वादों पर काम किया है। मानो कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया था, यह है क्रेडिबिलिटी। तो विधानसभा के बजट सत्र में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कहा कि उनमें जो योजनाएं बताई गई थी वो योजनाएं सच्चाई से कोसों दूर हैं। उन्होंने वित्त मंत्री के शारण्य बजट भाषण पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी तुकबंदी ठीक नहीं थी। इस पर उन्होंने एक शेर सुनाकर जवाब दिया। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। तो वही जाते जनगण